इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। उत्तराखंड बीजेपी ने 33 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी ने 6 साल के लिए इन्हें निकाला है। रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है, ये हम नहीं बल्कि खुद टाटा मोटर्स कह रही है। दरअसल नैनो प्रोजेक्ट पर 1,000 करोड़ का नुकसान झेल चुकी कंपनी अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं दिखती। टाटा मोटर्स के मुताबिक इस पर बोर्ड सही वक्त पर फैसला लेगा। दरअसल कंपनी ने नई पैसेंजर व्हीकल स्ट्रेटेजी को अपनाया है, जिसके तहत कंपनी का फोकस 2019 तक टॉप 3 कार मेकर कंपनियों में शुमार होने का है। साथ ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सुधारने पर भी कंपनी का जोर है। पहाड़ों पर एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में जहां बर्फबारी हुई है, वहीं मैदानी इलाकों में रिमझिम बरसात से ठंड बढ़ गई है। खासकर पहाड़ी इलाकों में बदले मौसम की वजह से पारा नीचे लुढ़का है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उधर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम में और भी बदलाव के संकेत दिए हैं। बर्फबारी तो आप देखिए 3,000 मीटर ही अभी तक लग रहा है कि इसी हाइट पे होएंगी, क्योंकि थोड़ा जो टेम्परेचर्स है वो बढ़े हैं इस दौरान। जो अभी आपने देखे पीछे, तो ऐसा नहीं लग रहा कि टेम्परेचर इतना डाउन होंगे कि हमारा जो मसूरी या चक्रवर्ता या नैनीताल का बर्फ हो पाए। तो 3,000 के आसपास तक ये कन्फाइंड रहेगा जो स्नोफॉल एक्टिविटी है। बिल्कुल रेन स्नोफॉल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है पूरे उत्तराखंड में। और ये आप देखेंगे कि जो है इसमें कल तक जो आपको जो अमाउंट वाइज अगर बात करेंगे तो बिल्कुल हल्की से मध्यम के दर्जे की बारिश मिलेगी। और जैसे मैंने बताया था पहले भी कि जो है जो उत्तरकाशी चमोली या रुद्रप्रयाग और इधर आप कह सकते हैं पिथौरागढ़, ये डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर भारी स्नोफॉल भी हमको मिलने चाहिए। दिल्ली की सड़कों पर लगने वाला जाम अब दिल्ली वालों पर भारी पड़ने लगा है। दिल्ली का ट्रैफिक जाम अब लोगों की जिंदगी के साथ जेब पर भी डाका डाल रहा है। आईआईटी मद्रास की एक हैरान करने वाली स्टडी सामने आई है। क्या है स्टडी, देखिए इस रिपोर्ट में। जेब और जिंदगी पर भारी दिल्ली का ट्रैफिक जाम। जाम में फंसकर हर रोज कटती है दिल्ली वालों की जेब। ट्रैफिक जाम से दिल्ली को हर साल 60,000 करोड़ का नुकसान। दिल्ली की सड़कों पर तिल तिल घुटती जिंदगी, पल पल कटती जेब। दिल्ली की सड़कों पर रेंगती गाड़ियों की ये तस्वीर कोई नई नहीं है। घर से निकलने के बाद दिल्ली वालों को हर रोज इसका सामना करना पड़ता है। चाहे दफ्तर जाना हो या बाजार, हर जगह जाम से दो चार होना ही पड़ता है। दिल्ली का ये जाम न सिर्फ लोगों को बीमार बना रहा है बल्कि उनकी जेब पर चपत भी लगा रहा है। दिल्ली में जाम पर आईआईटी मद्रास का ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में बताया गया है दिल्ली में लगने वाले जाम से हर साल 60,000 करोड़ का नुकसान होता है। पैसे की बर्बादी की वजह ट्रैफिक जाम की वजह से ज्यादा ईंधन की खपत, प्रोडक्टिविटी लॉस, वायु प्रदूषण और सड़क दुर्घटना को बताया गया है। ये जो अध्ययन किया गया इसमें जो अनुमान लगाया गया कि 60,000 करोड़ के करीबन है, इसमें ईंधन का नुकसान है। लेकिन अगर हम इसमें व्यक्ति के समय को भी जोड़ दें तो इससे कहीं 3-4 गुना ज़्यादा हमको इसका नुकसान मिलेगा। आईआईटी मद्रास की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दिल्ली में जिस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है उसके मुताबिक साल 2030 तक सालाना नुकसान का ये आंकड़ा बढ़कर 98,000 करोड़ तक पहुँच जाएगा। रिपोर्ट में बसों के लिए अलग लेन का सुझाव दिया गया है। बड़ी खबर, मैनपुरी में शिवपाल ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि जिसने अल्पसंख्यकों का दिल जीता वो चुनाव जीतेगा। शिवपाल ने कहा है जिसने अल्पसंख्यकों का दिल दुखाया वो चुनाव हारेगा। शिवपाल ने कहा है कि जिसके पास बहुमत होगा वही सीएम होगा। इस समय बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने मैनपुरी में बयान दिया। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बताइए कि अंसारी बंधुओं का शामिल होना न शामिल होना और अल्पसंख्यकों का दिल दुखाना या दिल जीतना क्या ताल्लुक है और कितना इससे नफा नुकसान समाजवादी पार्टी को
और कांग्रेस गठबंधन को शिवपाल के बयान से? देखिए शेखर जी, आपको बता दो जिस तरीके से शिवपाल सिंह ने जो आज अल्पसंख्यकों को लेकर बयान दिया है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका अंसारी परिवार को लेकर दर्द भी झलक रहा था। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि जिन लोगों ने अल्पसंख्यकों का दिल दुखाया है वो चुनाव हारेंगे और जिन लोगों ने दिल जीता है वो तो जीतेंगे। तो निश्चित रूप से जो उनका इशारा था वो अंसारी परिवार के को ले गई था कि, और उनसे ये सवाल भी किया गया कि जो आपके करीबी थे वो चाहे अंबिका चौधरी हो या अंसारी परिवार हो, उन्होंने बीएससी का दामन थाम लिया है। तो उन्होंने उस पर भी अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि अब मैं किसी को रोक तो नहीं सकता हूँ, जो जहाँ जाना चाहता है वो चला गया है, वो अपना अपना लोगों का अपना व्यक्तिगत विचार है। तो आज जो ऐसे तमाम तरीके के जो सवाल थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर जवाब दिए। शिवपाल का पूरा झलक जो दर्द झलक रहा था, शिवपाल सिंह एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे लेकिन उन्होंने पूरी समाजवादी पार्टी की जो गतिविधियां चल रही हैं उनको लेकर एक एक सवाल का जवाब दिया। जब एक सवाल और उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी की यदि सत्ता वापसी होती है, आपको लग रहा है सत्ता में वापसी होगी, तब भी उन्होंने अल्पसंख्यक को ही इशारा बनाया और उन्होंने कहा कि चलिए बहुत शुक्रिया आशुतोष इन जानकारियों के लिए।